आपका स्वागत है अपने चैनल में अपने मास्क गेमिंग लाइव। तो आज हम लिपोकुआ में उतरने वाले थे। क्या भाई लिपोकुआ में उतरता है, जाना कोई हॉट ड्रॉप ढूंढ? दादाजी आजकल इरेंगल में सभी जगह हॉट ड्रॉप बन चुका है। कभी लिपोकुआ में आते हैं, कभी सेवरनी में आते हैं। आप देखिए ना, देखो देखो, आप हमारी किस्मत देखो, अभी देख लीजिए। हाँ मुझे पता है तेरी किस्मत, चल। ये देखो कोई गन नहीं, लेकिन पहले फ्लेयर गन मिल गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ फ्लेयर गन थी, दूसरे घर में मिलेगी गन, तो मैं गया। नो, यहाँ प्योटेक्स मिल गया हुआ। और ये देखो अगेन अनदर फ्लेयर गन, इसको बोलते हैं किस्मत। लेकिन अभी मुझे थोड़ा टेंशन आया था, मैंने सोचा अगर इन्हीं में आ गए तो क्या होगा। रे बाबा क्या होगा, मर जाएगा तू? नहीं मरूंगा, ऐसे कैसे मरूंगा। ये देखो उजी मिल गई, बस मैं तो खुश था अभी उजी मिल गई। दो एनिमी तो आराम से चटका लूँगा मैं, और बाकी दो को ये देख लेंगे। तो मेरे टीममेट्स यहाँ पे बॉट बॉट खेल रहे थे, ये इसको बॉट को मार रहा था, दूसरा भी बॉट को ही मार रहा था, और मैं यहाँ बस प्लेयर उड़ाने की जगह ढूंढ रहा था। उड़ा दे जल्दी उड़ा दे। हाँ हाँ दादाजी, काई मत करो, क्योंकि अगर एनिमी आ गए और मेरे पास गन नहीं होगी तो आपको पता ही ये पूरा सत्यानाश होगा, इसलिए मैंने उड़ाई नहीं थी। यहाँ पे मुझे फॉरेस्ट दिखा, मैंने मार कर दिया। वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। क्या तू भी कितना चोक मारता है रे। दादाजी एक बात पूछूँ, आपकी आवाज़ को क्या हुआ, बहुत ऐसी अलग अलग आ रही है? वो कल थोड़ा आइसक्रीम खाया ना, तो ये गले के अंदर बैठ गई है। अच्छा रुको, अभी मैं फ्लेयर मारने वाला हूँ। अभी फ्लेयर एक तो आई थी, मैंने सोचा चलो लूटने चलते, लेकिन वहाँ तक पूछते पूछते एक ही गन बची थी, लेकिन वो भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने उसे उठा लिया, जल्दी से उठा लिया। तो ठीक है, MK40 जो ऑटो पेसी कातिल गन चलते ना बस। तो मैंने दोनों फ्लेयर एक ही टाइम पे उड़ाए थे, लेकिन एक तो जल्दी आ गई, एक देर से आ रही थी। ठीक है देखते हैं, अभी दूसरी प्लेयर भी आ गई, तो मैंने जल्दी से क्रोज आउट आई, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई क्रोज आउट आएगा, तो मैं ऐसे ही बैठूँगा। और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि दुश्मन भी आ रहे हैं। दुश्मन थे, काई काई मुझे दिखा। अभी देखो ना ऐसे 1v4 करता है, ये देखो आगे मार रहे मार रहे। अरे अरे तेरा बंदा तो तुझे ही मार रहा था। हाँ वो थोड़ा सा घबराया होता है ना, पीछे से उसको पटके पड़े दो चार, तो उसको थोड़ा डर लगाया होगा। अभी मैं यहाँ पे टीपी पे लेके कोशिश कर रहा था, मुझे गाड़ी दिखी, गाड़ी सीधा यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है चलो इनको मारेंगे, हम मारेंगे। एक जन फट गया, देखो। ओ, तो तूने तो फिर पोता किसका वो, ये देखो एक तो मर गया, दूसरा अभी फट गया। ओ तेरी सबको मर गया। अभी देखो चार्ज। यहाँ पे मैं टीपी ले रहा था, टीपीटी क्या हो गया मेरे जुबान को, जुबान फिसल गई, टीपीटी नहीं टीपीटी। तो मैंने यहाँ पे देखा दो नंबर को नॉक कर दिया, वो भी थॉमसन से। अब तो ये देखो कैसे मारा, क्या ही मारा तूने, और तू भी बच गया है ना। अभी देखो अभी देखो, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैंने एटेक्स लगाया है एमके पे, और इतने शॉर्ट रेंज पे मार रहा था, एमके से मार रहा था। वाह बढ़िया, ये तीनों रहे थे मेरे सामने,
एक तो मार दिया, दोनों जा रहे थे अंदर, मुझे पता था। अब ये कर दिया, उसमें आया खलास, 4 किल अपने खाते में ऐड हो गए। बहुत ही बढ़िया काम करता है रे तू। तुम यहाँ पे भाई हो क्या? अच्छा यहाँ पे मैं घबरा गया था, मुझे पता ही नहीं था ये बॉट है, मुझे लगा ही नहीं। मैं अब इसके आगे देखो, यहाँ पे हम बेफिक्र होके लूट रहे थे, सब कुछ लूट लिया था, और तभी मुझे M4 दिखी और दोस्त ने 6-6 दिया। No. तो मैंने सोचा ठीक है, MK का सफर यहाँ तक ख़त्म करते हैं, M4 के साथ चलते हैं। बेटा मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, हाँ तब तक तू तो चालू रखे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ अब जाओ। मैं हूँ ना 1 मैन आर्मी, अकेला ही सब कुछ संभाल लूँगा। अभी यहाँ पे M416 थी, तो मैंने सोचा ठीक है ग्रोज और M4 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों को यूज़ करते हैं। ग्रोज और M4 लेके दुश्मनों को ट्रैक्टर प्रॉपर कर देंगे। तो हिल विल कर दिया, पिन किलर ली, सब कुछ काम अच्छे से हुआ था। तभी ये देख रहा था मैं गेट से मारना था, तो बहुत अच्छे से मार रहा था मैं, लेकिन तभी दोस्त बोला मेरे पास 6-6 है, आ जा। तो मैंने बोला ठीक है चल M4 लेके आता है मैं। I got a scope. तो 6-6 उससे ले लिया। अभी MK को डालना पड़ा, तो मैंने MK रख दी। अभी रख, जल्दी रख, बहुत जाम कर रहे 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 ला रहे हैं। नींद आ गई, तो मैंने M4 ली, फटाफट से सब कुछ रिलोड कर दिया। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोग हमारे ऊपर पुश करने आने वाले हैं, तो मैंने अपने लूट बराबर से ख़त्म कर दी। और मैंने सोचा ठीक है बाबा, अभी लूट हो गई है तो यहाँ से गाड़ी लेकर लघु चक्कर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आगे गया, थोड़ा सोचा ठीक है थोड़ा एमओ वीमो तो मिल गया, कुछ ग्रेनेड्स विनेट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बात पर जी बहुत अच्छी होगी। तो मैं इस घर में गया, इस घर में जाते ही मुझे साउंड आने लगा एनिमीज का, तो मेरे को तो ऐसा धक धक होने लगा था। मैंने सोचा अभी तो गई 2 रुपये में मेरी ज़िंदगी बिकने वाली है। तो वो उधर गया, मेरे दोस्त के पास गया, तो उसको बताया और मैं भागते भागते उसके पास जा गया। तो यहाँ पे मैं TPP ले रहा था, और मुझे पता था कि बंदा कहाँ पे गया है, कि इस घर में बंदा है। और तभी मेरा एक दोस्त जो बचा था वो गाड़ी लेके कुछ तो कर रहा था, और उन्होंने उसे स्पॉट कर दिया और उस पे गोलियों की बौछार हो गई। देखो देखो आएंगा, वो भी सीन आएंगा, जल्दी ही आएंगा, मर गया। उसे बचाना था लेकिन उन्होंने पूरा ही ख़त्म कर डाला उसे। तो मैं सोचा आप ठीक है अब अकेला ही बचा है, उसको बचाने के लिए रश करना पड़ेगा। तो मैंने ये फ्री फायर दिया और खड़ा 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 और तभी पीछे से और आ गए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे 2 बंदे, एक ही बंदा दिखा था। तो मैंने सोचा ठीक है अभी ये भी मर गया तो अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उन्होंने एक ग्रेनेड कर दिया ऊपर के फ्लोर पे कर दिया शायद से। मैंने सोचा ठीक है इधर करेंगे, इधर से सरप्राइज क्या हेड बैठा ना उसको, इसलिए मर गया वो। अभी मुझे क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा अभी वो 2 बंदे, तो मैंने ग्रेनेड डाल दिया और फिर रिलोड करने लगा गन। और यहाँ पे दोनों भी वहाँ फंस गए,
और उनका क्रियाकर्म हो गया, सब कुछ तबाह करके मैं अकेला ही बच गया। गाड़ी लेके जा रहा था ऐसे, बहुत जल्दी में जा रहा था, तो आगे से गाड़ी दिखी। मैंने सोचा चलो चुप थे, लेकिन वो गाड़ी मेरे पे आके रुक गई, मेरी गाड़ी को। ये बंदर टाइप क्या कूद रहा था गाड़ी के ऊपर से। भाई अगर गाड़ी ठोक दी है तो एक साइड से रश करो या फिर अच्छे से रश करो ना, लेकिन नहीं, उनको मेरे यहाँ तो समाना था। मैंने लूट लिया और एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे मैं सेफ रह सकूँ। तो फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया था, तभी ग्लिच की वजह से शायद से सामने वाले बंदों ने मुझे स्पॉट कर दिया और मुझ पर गोलियाँ आने लगी। तो मैंने सोचा ठीक है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अगर उन्होंने पुश कर दिया तो मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा, क्योंकि नीचे से ओपन है। मैंने सोचा ठीक है, ब्रिज के पास जो खड्डा रहता है ना, उधर जाते हैं। तो मैं भगता 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 ब्रिज के पास जा रहा था, उतने में ख्याल आ रहा था पीछे से कोई आ ना जाए, लेकिन कोई नहीं था। तो मैं गया, अभी कुछ टेंशन नहीं था, लेकिन आगे ब्रिज से कोई ना आ जाए, बस यही थोड़ी सी टेंशन थी। तो मैंने गन निकाली, चुपके से देखा तो एक गाड़ी शायद से आ रही थी ब्रिज से, ऐसा मुझे लगा। और वो बंदे भी उसी हिल पे आए थे जहाँ पे मैं था, वो मुझे ढूंढते ही आ रहे थे। लेकिन इतने दूर से स्प्रे देना ठीक था, एक तो नॉक हो जाता लेकिन वो रिवाइव भी हो जाता और फिर मेरी वाट लग जाती। तो मैंने रिवाइव नहीं दिया, मैं क्यों रिवाइव दूंगा, कुछ भी पक रहा है। हाँ, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा था पीछे से कोई आ ना जाए, और तभी अचानक सामने से दो बंदे दिख गए। और ये देखो मेरी मेरे अमाउंट जब ख़त्म हो गए तो स्प्रे कनेक्ट हुआ, इसकी वजह से मैंने बहुत डैमेज खाया। अभी उनको पता था कि मैं कहाँ से आने वाला था, तो वो दोनों धुआ करके कुछ करके यहाँ पे आने वाले थे, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला था। तभी मुझे राइट से स्टेप सुनाई थी, तो मैंने प्री फायर चाइनीज नाम था, अच्छा वो नॉक हो गया कोरोना साला। तो अभी एक ऊपर से आने वाला था, मुझे पता ही था क्योंकि नीचे से वो ना आ नहीं सकता, दोनों को मैं इजीली खा गया। अब एक टेंशन थी, उन्होंने स्मोक किया था, स्मोक की तरफ सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगा कोई ना कोई तो आ जाएगा। तो मैंने फिर से ही तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा था कौन कहाँ से जा रहा है, तो ये बदनसीब मेरे सामने आके लेट गया। मैंने सोचा अच्छा बच्चो ये ले, खर 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 चल नॉक। क्या कर रहा था पता ही नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा नुबड़ा टाइप था, क्योंकि अगर मैंने उसको मारा है ना तो कहीं से तो पिक ले था, लेकिन उसने कुछ हलचल ही नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा ठीक है, वो नहीं तो हम ही सही है, हम जाते हैं आगे रिश्ता लेके, वो नहीं आ रहे तो। एक्सलेंट वर्क। तो मैंने एक बार लेफ्ट को देखा, कोई नहीं था, तो सोचा चलो राइट से चलते। अब ये बहुत रिस्की था क्योंकि वो आगे रिचेस पे कहीं भी छुपा हो सकता है, और मुझे वहाँ पे स्मोक दिखा था। तो हमने सोचा ठीक है चलो आगे से चलते हैं। थोड़ा रुक गया था क्योंकि मुझे लग रहा था लिफ्ट पे ऊपर कोई है, लेकिन कोई था ही नहीं। तो मैं भगता भगता गया, सामने वाली रिच पकड़ने के लिए गया, और उधर जाके मुझे रोना आ गया। यहाँ से मैं भगता आ रहा हूँ, मेरे फुट स्टेप्स आ रहे होते उससे,
सस्ते हेडफोन्स क्या ही करें आप। अब इसका किल कोई और चुरा, इसके पहले मैंने दो ग्रेनेड्स उठा के पट करके मार दिए। पहले ग्रेनेड में नहीं फूटा लेकिन दूसरे ग्रेनेड में फट गया। अब हो गए थे 16 किल, करने थे 20, ऐसे ही मुझे लगा था 20 करते, और बचे थे 4 बंदे। तुम चारों बंदों को मैं अकेले खाने वाला था, लेकिन वो दो दो अलग अलग टीम ने, तीन अलग टीम के थे, एक अलग टीम का था, हाँ ऐसा ही कुछ था। और मैं देख रहा था कोई हलचल करे, तो फिर से मुझे थोड़ा सा स्मोक दिखाई दिया, तो मुझे लगा ही था उधर एक बंदा होगा। और तभी देखता हूँ किल फीड में कुछ तो दिखाई दे दिया मुझे कि किसी ने किसी को नॉकआउट कर दिया है, और आवाज़ आई थी राइट साइड से। तो मैंने सोचा चलो उसको धप्पा देते हैं, भौंक रहे उसको, रुको अभी दिखेगा आपको, दिखेगा ये मैं खेला हूँ ना, इसलिए मुझे पता है, आपको नहीं पता, आप पता कर लो। भी जोन तो अपने ऊपर था, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं थी, और रिच भी बहुत अच्छी रिच थी, ऊपर से कोई आए तो मैं आराम से मार सकता था, एक सरप्राइज एलिमेंट था मैं यहाँ पे, वो है बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत स्टे करने के बाद 150-200 साल के बाद एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दी, और मैंने सोचा चलो चलते नॉकआउट को, सेव कर गया और मैंने उसको इस दुनिया। और ये देखो ये क्या कर रहा था बंदा, नॉक हो गया, अभी वन वर्सेस वन फाइट थी। तो ये टोपी वाले मस्त आपको भी पहुंचा दूं, और ये चिकन डिनर बहुत इजी कर देते हैं। बेटा खत्म हो गया। हाँ दादाजी, आप पानी पीने गए थे या पानी कुएं से लाने गए थे? अरे नहीं, पानी पीने गया था लेकिन सो गया। क्या अभी, चलो ठीक है, अगली वीडियो देखो। बस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ GTA वॉचडॉग 2 भी बनाए, देखो। स्टे ट्यून फॉर दिस।